तो बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आगे देखें हम, तो महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक में हम कांच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है क्या? कांच। तो कांच के बारे में आज पढ़ेंगे हम, कांच का औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक। कांच है ना, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं क्या, ग्लास, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लास। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कांच की बनी चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे गिलास है ना, कांच का गिलास आता है, आपका बल्ब है ना, बल्ब है, उसी प्रकार से खिड़कियों में लगी कांच, ठीक। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिनका उपयोग हम कांच के रूप में करते हैं, ठीक है। ये जो कांच है ना, कांच जो है धातु सिलिकेटों का मिश्रण होता है, ठीक है। धातु के सिलिकेटों का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक। कांच जो होता है क्या होता है, धात्विक सिलिकेटों का मिश्रण है, मिश्रण है, ठीक है ना। और कांच का जो सामान्य सूत्र होता है ना, वैसे तो इसका कोई स्थायी सूत्र नहीं है, है ना, इसका एक सामान्य सूत्र, इसका कोई स्थायी सूत्र नहीं है, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र क्या है, एक्स आर टू ओ वाई एम ओ है ना, और सिक्स एस आई ओ टू होता है, ठीक है ना, एक्स आर टू ओ वाई एम ओ सिक्स एस आई ओ टू, ठीक। ये इसका सामान्य सूत्र है, समझ में आ रहा बात। देखिए दो तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक तो सामान्य सूत्र और साधारण सूत्र है ना, कांच का साधारण सूत्र लिखिए और कांच का सामान्य सूत्र लिखिए। तो सामान्य सूत्र में आप इसको दोगे और साधारण सूत्र है ना, जब हम कांच का औद्योगिक निर्माण देखेंगे, विधि देखेंगे कांच बनाने की, तो उसमें मैं आपको साधारण सूत्र बताऊंगा। तो दोनों में अंतर है, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो गलती क्या करते हैं कि सामान्य सूत्र पूछा जाता है और क्या लिखते हैं, साधारण सूत्र लिखते हैं, और जब साधारण सूत्र पूछा जाता है तो सामान्य सूत्र को लिख देते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों में अंतर है, समझ में आई बात। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, एक्स आर टू ओ वाई एम ओ सिक्स एस आई ओ टू। अब यहां पर R क्या है ना, R के बारे में देखें, तो R क्षार धातु हो सकता है, कोई भी क्षार, मतलब यहां पर क्षार धातु कोई भी नहीं, इसमें क्षार धातु आपका क्या है, सोडियम या तो क्या हो सकता है, पोटेशियम है ना, सोडियम या पोटेशियम, क्षार धातु में आपका सोडियम या पोटेशियम हो सकता है। उसी प्रकार से M है ना, M जो होगा द्विसंयोजक धातु है, द्विसंयोजक धातु, द्विसंयोजक धातु में जैसे आपका लेड है, कैल्शियम है ना, पीबी, पीबी जिसको क्या कहते हैं, लेड है ना, और आपका या तो हो सकता है कैल्शियम सी ए, ठीक। उसी प्रकार से एक्स और वाई क्या होगा यहां पर है ना, अणुओं की संख्या है ना, एक्स और वाई से मतलब क्या है, अणुओं की संख्या से, अणुओं की संख्या से मतलब है, समझ में आई बात है ना। और ये तो सिलिकेट है ना, सिलिका मतलब रेत, SiO2, ठीक है जी, सिलिका मतलब क्या होता है, रेत है ना, रेत को क्या कहा जाता है, सिलिका, तो ठीक है ना। कांच का सामान्य सूत्र XR2O YMO 6SiO2 होता है, जहां पर R का मतलब क्षार धातु, सोडियम या पोटेशियम से मतलब है, M का मतलब द्विसंयोजक धातु, लेड या तो कैल्शियम से मतलब है, और X और Y अणुओं की यहां पर क्या होगी, संख्या होगी। अब देखिए हम कांच की परिभाषा देख लेते हैं है ना, कांच की परिभाषा है ना, कांच की जो परिभाषा है उसको सबसे पहले थार्प ने परिभाषित किया था, थार्प नामक वैज्ञानिक ने, थार्प नामक वैज्ञानिक ने इसको परिभाषित किया था, ठीक है। किसने, थार्प नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने क्या कहा था कि क्षार धातु के सिलिकेट, ठीक है ना, कांच जो है धातु सिलिकेटों
का मिश्रण होता है। मैंने पहले बताया क्या है, धात्विक सिलिकेटों का क्या है, मिश्रण होता है, जिसमें क्या क्षार धातु होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है, क्षार धातु होना आवश्यक है। क्या थार्प ने कैसे परिभाषित किया कि कांच जो है धात्विक सिलिकेटों का मिश्रण है जिसमें क्षार धातु होना क्या है, आवश्यक है, है ना। इस प्रकार से कांच जो है अक्रिस्टली पारदर्शक, है ना, अक्रिस्टली पारदर्शक, क्रिस्टली नहीं, अक्रिस्टली पारदर्शक या अल्प पारदर्शक पदार्थ है। ठीक है, क्या कि कांच धात्विक सिलिकेटों का जिसमें क्षार धातु के सिलिकेट होना आवश्यक है अक्रिस्टली पारदर्शक या अल्प पारदर्शक मिश्रण है, है ना। अक्रिस्टली पारदर्शक या अल्प पारदर्शक क्या है, मिश्रण है। ठीक है जी, पारदर्शक मतलब क्या होता है, आर पार दिखाई देना, है ना। ठीक है जी, है ना, तो ये समझ में आ गया बात, है ना। हमने क्या देखा, कांच का सामान्य सूत्र और उसकी परिभाषा, समझ में आ गया बात। आगे बढ़े, इसको किसने दिया था परिभाषा को, थॉर्प ने सबसे पहले परिभाषित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो हम कांच का औद्योगिक निर्माण देखते हैं। कांच का औद्योगिक निर्माण, कांच का औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक, तो कांच का औद्योगिक निर्माण या उत्पादन कैसे करते हैं उनको हम देखें, तो कांच के निर्माण में, है ना, उपयोग होने वाले पदार्थ पहले उसको देख लेते हैं, आवश्यक कच्चे पदार्थ क्या क्या लगते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़े। अब तो कांच के निर्माण में उपयोग होने वाले पदार्थ पहले हम देख लेते हैं, कांच के निर्माण में उपयोग होने वाले पदार्थ क्या क्या पदार्थ लगते हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक ठीक, सबसे पहले क्या, सिलिका, सिलिका जिसमें क्या होता है, है ना, सिलिका में हम क्या ले सकते हैं, क्वार्टज, क्वार्टज के टुकड़े, या और क्या ले सकते हैं, सफेद रेत, है ना। ठीक, सफेद रेत, सिलिका मतलब रेत, है ना, इसमें क्वार्टज भी ले सकते हैं, सफेद रेत ले सकते हैं, या साधारण रेत, है ना, या साधारण जो रेत होता है ना उसको भी ले सकते हैं। ठीक है जी, है ना, सिलिका के अंतर्गत क्वार्टज, सफेद रेत, साधारण रेत ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद सेकंड नंबर क्षार धातु, ये आवश्यक पदार्थ है, इसको नोट कीजिए सबसे पहले, है ना, क्षार धातु, क्षार धातु में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट। इसके बाद है तीसरा नंबर, दुसंयोजक धातु, दुसंयोजक धातु, दुसंयोजक धातु के रूप में हम कैल्शियम या चूने का पत्थर, चूने का पत्थर ले सकते हैं, है ना, चूने का पत्थर या लेड, पीबी, पीबी जिसको क्या बोलते हैं, लेड, है ना, और इसी में है लिथार्ज, है ना, मैं जो बोल रहा हूं सूत्रों को याद रखेंगे, है ना, ये पूछा जाता है लिथार्ज, लिथार्ज सूत्र होता है पी बी पी बी ओ, है ना, ये लिथार्ज का सूत्र होता है। ठीक है, क्या है ये, लिथार्ज। ठीक है ना, इसके बाद या हम ले सकते हैं
रेड लेड, रेड लेड जिसको क्या कहते हैं, सिंदूर, और सिंदूर का आपका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है ना, जिसको रेड लेड भी बोला जाता है ना, सिंदूर को क्या बोला जाता है, रेड लेड, और इसका सूत्र क्या होता है, Pb3O4, क्या सूत्र होता है, Pb3O4, सिंदूर का सूत्र होता है Pb3O4, ठीक। तो ये दो सूत्र मैंने बताया है ना, इसको नाम याद रखेंगे, लिथार्ज का और रेड लेड या सिंदूर का, जो सिंदूर लगाते हैं ना, है ना, ठीक है, जो घर में महिलाएं यूज करती हैं, Pb3O4 सिंदूर, ठीक। तो ये दुसंयोजक धातु के रूप में हम कैल्शियम ले सकते हैं, या चूने का पत्थर, या तो लेड, लेड के अंतर्गत लिथार्ज भी ले सकते हैं, रेड लेड सिंदूर भी ले सकते हैं, समझ में आई बात, तो सूत्र याद रहेगा। इसके बाद आइए, है ना, ऑक्सीकारक या रंग उड़ाने वाले पदार्थ, है ना, इसको मिटा देते हैं, आवश्यक कच्चे पदार्थ में चौथा नंबर, चौथा नंबर आक्सीकारक, आक्सीकारक या रंग, आक्सीकारक या रंग उड़ाने वाले पदार्थ, रंग उड़ाने वाले पदार्थ, आक्सीकारक या रंग उड़ाने वाले पदार्थ में क्या लेते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, है ना, इसको बोलते हैं क्या, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक, या पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, है ना, या हम लेंगे सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक। ऑक्सीकारक या रंग उड़ाने वाले पदार्थ हम लेते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड या पोटेशियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम है और ये नाइट्रेट, NO3 मतलब नाइट्रेट हो जाता है, ठीक है, और ये नाइट्रेट सोडियम, Na मतलब सोडियम, NO3 मतलब नाइट्रेट, समझ में आई बात, है ना। तो ये ऑक्सीकारक या रंग उड़ाने वाले पदार्थ के रूप में लिया जाता है। इसके बाद है पांचवा नंबर, क्लेट, क्लेट ये भी पूछा जा चुका है ना, और पूछता भी है, क्लेट क्या है ना, और एकदम सिंपल सी बात है ना, कांच के जो टूटे फूटे जो टुकड़े होते हैं उनको क्लेट कहा जाता है, ठीक। क्लेट किसे कहते हैं, कांच के टूटे हुए टुकड़ों को, कांच के टूटे टुकड़े को, है ना, क्या कहते हैं, क्लेट कहते हैं। इसका भी उपयोग यहां होता है, कांच के छोटे, कांच के टूटे हुए टुकड़ों को क्या कहा जाता है, क्लेट, ठीक। इसके बाद छठवां नंबर आपका आता है विशिष्ट रंग देने वाले पदार्थ, विशिष्ट रंग देने वाले पदार्थ, है ना, जिसमें विशिष्ट रंग देने वाले पदार्थ में आपका जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है ना, क्रोमिक ऑक्साइड है, ठीक। तो इससे विशिष्ट रंग, आप क्या है, कांच को अलग अलग कलर में देखते हो, कोई लाल कांच होता है, कोई हरा कांच होता है, कोई नीला होता है, कोई बैगनी होता है, कांच अलग अलग रंग होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको रंग देने के लिए एक विशिष्ट पदार्थ मिला जाता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है, आगे बताएंगे। और तो ये सभी क्या हो गए, आवश्यक पदार्थ, है ना, क्या, कांच, कांच निर्माण में जो आवश्यक पदार्थ हैं वे हो गए, ठीक। इसके बाद आइए कांच का हम निर्माण देखें, ठीक, कांच का निर्माण कैसे किया जाता है।
कांच के निर्माण में सबसे पहले कच्चे माल का संगलन किया जाता है, मतलब कच्चे माल को क्या किया जाता है, गलाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, कच्चे माल का संगलन। कच्चे माल का क्या किया जाता है, संगलन किया जाता है, समझ में आ रही बात है ना। तो कच्चे माल का संगलन कैसे करते हैं, कांच के निर्माण में जो आने वाले पदार्थ है, ठीक है। कांच के निर्माण में आने वाले पदार्थ जैसे क्या है, रेत प्लस चूना, ठीक, प्लस क्या, हमने क्या क्या लिया, रेत चूना, चूना पत्थर है ना, है ना। फिर खाने का, सॉरी धोने का सोडा, हमने जब सोडा देखा धावन सोडा तो उसमें हमने एक उपयोग पढ़ा था ना कि कांच के निर्माण में खाने का सोडा का उपयोग किया जाता है, सॉरी धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है, खाने का नहीं धोने का सोडा, ठीक, धोने का सोडा, ठीक है ना। इनको हम बारीक पीस लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बारीक पीसते हैं, ठीक है, बारीक क्या कर लेते हैं, पीस लेते हैं, और पीसने के बाद इसमें हम कलेट मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, कलेट मिला देते हैं, मिलाते हैं। कलेट किसे कहते हैं मालूम है ना, कांच के छोटे टुकड़े को, है ना, टूटे हुए टुकड़ों को, कांच के छोटे टूटे हुए टुकड़ों को क्या कहा जाता है, कलेट कहते हैं। तो हम कांच निर्माण में क्या किया जाता है, कांच निर्माण में क्या किया जाता है, कच्चे माल का संगलन में, है ना, पहले रेत चूना, है ना, चूना पत्थर, धोने का सोडा, है ना, और धोने का सोडा, इनको हम बारीक पीस लेते हैं, और बारीक पीस कर क्या मिला देते हैं, कलेट मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, कलेट। और कलेट मिलाने के बाद जो पदार्थ बनता है उनको कहा जाता है बैच, उसको क्या कहा जाता है, बैच कहते हैं, है ना, उसको क्या कहा जाता है, बैच, ठीक। और इस बैच को, है ना, लगभग 1400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, है ना, 1400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम एक भट्टी होती है जिसे हौज भट्टी कहा जाता है, या पात्र भट्टी भी लेते हैं, है ना, एक हौज भट्टी में लेकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है ना। हम कच्चे माल का संगलन कैसे करते हैं, पहला हम औद्योगिक निर्माण, कांच के औद्योगिक निर्माण की विधि देख रहे हैं, इसमें हम कच्चे माल का संगलन कैसे करते हैं, रेत चूना धोने का सोडा और चूना पत्थर और धोने का सोडा, इसको हम बारीक पीस लेते हैं, पीस कर उसमें कलेट मिला देते हैं, कलेट मिलाने के बाद, है ना, जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, बैच कहते हैं। और बैच के बाद उसको, है ना, जो बैच को हम एक क्या भट्टी में लेते हैं, जिसे पात्र भट्टी या हौज भट्टी कहा जाता है, उस भट्टी में लेकर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। तो गर्म करने पर क्या बनती है, है ना, ठीक, उसका रासायनिक समीकरण देख लेते हैं, ठीक है जी। तो रासायनिक समीकरण में आपका जैसे Na2CO3 प्लस, है ना, Na2CO3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, ये आपका क्या है, धोने का सोडा, और ये क्या है आपका, क्या है, चूना पत्थर, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, और रेत 6SiO2, ये रेत है, ये क्या है, धोने का सोडा, है ना, और ये चूना पत्थर, और ये रेत, है ना, इसको बारीक पीस कर, है ना, ठीक, कांच के छोटे टुकड़े मिला देते हैं, और कांच के छोटे टुकड़े मिलाने पर क्या बनता है, कांच बनता है, मतलब उसको हौज वाली भट्टी में लेकर गर्म करते हैं, हम भट्टी का डायग्राम देखेंगे, है ना, भट्टी में लेकर गर्म करने पर क्या बनता है, कांच। पहले रासायनिक समीकरण देख लीजिए, Na2OCaO, ठीक है, 6SiO2, और प्लस ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, कांच है, क्या है, कांच। ये साधारण सूत्र है, क्या सूत्र है, साधारण सूत्र, समझ में आई बात है ना, Na2OCaO6SiO2, है ना, 6SiO2 सामान्य सूत्र और साधारण सूत्र में कॉमन रहेगा, प्लस बस बदलेगा क्या, सोडियम और कैल्शियम, यहां पर जो CaO है वो, ठीक,
समझ में आई बात है ना। तो हम धोने का सोडा और चूना पत्थर और रेत और कलेट को मिलाकर बैज तैयार करते हैं। बैज तैयार करने के बाद हौज भट्टी में लेकर इसको 1400 सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने पर क्या बनती है, कांच बनती है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए फिर। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया इसको, है ना। अब आगे देखिए, ठीक, हौज भट्टी देख लेते हैं। भट्टी में इसको कैसे बनाते हैं, उसका डायग्राम देख लीजिए। सिंपल सा डायग्राम है और डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते चलिए। ठीक है, बैच बैच जो बनता है उसको हौज भट्टी में लेकर क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, है ना। हौज भट्टी इसका चित्र हुआ, है ना, बनाइए मेरे साथ साथ। इस प्रकार की एक हौज भट्टी होती है। इधर से वायु प्रवाहित करते हैं, और ये यहां से ज्वलनशील गैसें बाहर होंगी। ठीक है, ठीक, यहां पर जो कांच है ना, बैच बैच को हम जलाएंगे कितना टेम्परेचर पर, यहाँ तक, यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, 1400 सेंटीग्रेड। ठीक है, गर्म वायु के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पर जो जो कांच बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, माल्टेन ग्लास या माल्टेन कांच, है ना, माल्टेन ग्लास। ठीक है, ये टैंक है, और ये जो है चार्जिंग, है ना, चार्जिंग डोर है, है ना, चार्ज करने का। ठीक, इस प्रकार की क्या होती है, एक भट्टी होती है। ठीक है, हो गया, देखिए इसको, है ना। इसमें क्या होता है, हौज भट्टी मतलब जो बैच होता है, उस बैच को हम 1400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 1400 सेंटीग्रेड ताप पर इस हौज भट्टी में लेकर गर्म करते हैं, है ना, गर्म करते हैं। इस प्रकार से एक टैंक होती है, देखिए ये टैंक है, है ना। यहाँ पर अपन कांच को रख, बैच को रख देते हैं, और इधर से अपन गर्म वायु क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ईंधन होती है, वो जलती है, जलने के बाद, है ना, बैच जो है कांच में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, कांच में परिवर्तित हो जाता है, और व्यर्थ गैसें इधर से निकल जाती है, ज्वलनशील गैसें। ठीक, तो इस प्रकार से एक भट्टी होती है। अब इस भट्टी में लेकर हम क्या करते हैं, कांच का निर्माण करते हैं, जिसे हम माल्टेन ग्लास या माल्टेन कांच कहते हैं, जो हमको प्राप्त होता है। समझ में आई बात, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखिए, पिघले हुए कांच
हम क्या देखे, कच्चे माल का संकलन देखे, इसके बाद जो हमको कांच मिलता है, कांच की विभिन्न वस्तुएं कैसे बनाते हैं, है ना, कांच की विभिन्न वस्तुएं, सेकंड नंबर क्या है, कांच की विभिन्न वस्तुएं कैसे बनाते हैं। तो कांच कांच की जो वस्तुएं बनाते थे उनको क्या कहा जाता था, ग्लास ब्लोअर, है ना। जो पहले जो कांच बनाते थे, है ना, कांच से विभिन्न वस्तु, कांच नहीं बनाते थे, मतलब कांच से विभिन्न वस्तुएं बनाते थे, उनको ग्लास ब्लोअर बोला जाता था। क्या बोला जाता था, ग्लास ब्लोअर, है ना, ग्लास ब्लोअर बोला जाता था। इन लोग क्या करते थे, एक फुकनी होती थी, क्या होती थी, फुकनी होती थी, फुकनी में एक सिरे पर लेकर क्या करते थे, फूक मारते थे, और फूक मार के इच्छा अनुसार, है ना, जो वस्तुएं बनाना है उसके हिसाब से वस्तुएं क्या करते थे, बनाते थे, है ना। एक क्या होती थी, फुकनी, है ना, ब्लो पाइप बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, ब्लो पाइप। एक फुकनी के माध्यम से ग्लास ब्लोअर लोग क्या, कांच की विभिन्न वस्तुएं बनाते थे, ठीक। आजकल जो फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से कांच से विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती है ना, फैक्ट्रियों में जो फैक्ट्रियां होती है उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, उससे विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती है। लेकिन जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं आज भी ग्लास ब्लोअर लोग फूकने के माध्यम से बनाते हैं, ठीक, है ना। इसमें एक चीज और है, कांच की वस्तुओं का तापानुशीतन, है ना, तापानुशीतन जो आपको पूछता है, तापानुशीतन क्या है, ऐसा करके है ना, तापानुशीतन, तापानुशीतन के बारे में पूछा जाता है। तो कांच की जो वस्तुएं जो बनती है ना, उसका तापानुशीतन होता है। तापानुशीतन का मतलब क्या होता है, जो गर्म कांच होता है उसको क्या करना, धीरे धीरे ठंडा करना, क्या करना, धीरे धीरे ठंडा करना, है ना। कांच की जो बनी वस्तुएं होती हैं उसको क्या किया जाता है, धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। भाई एक साथ उसको ठंडा कर देंगे ना तो कांच जो है क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। एक साथ उसको ठंडा नहीं करते, अचानक उसको ठंडा नहीं करते, उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं, ठीक, ठीक है जी, ठीक, यही तापानुशीतन है। इसके बाद आइए, है ना, कांच में विशिष्ट रंग देना, है ना, कांच में विशिष्ट रंग देना, रंग देना, है ना, रंग देना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग, है ना, कांच में कौन सा रंग देने के लिए किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग, नीला रंग देने के लिए, नीला रंग, ठीक है। क्या रंग, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कोबाल्ट ऑक्साइड है, है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होगा, क्या होगा, नीला रंग देने के लिए इसको सुधार लेंगे, ठीक है, सॉरी, यहां पर कोबाल्ट ऑक्साइड लिया जाता है, क्या लिया जाता है, कोबाल्ट ऑक्साइड, है ना, कोबाल्ट ऑक्साइड लिया जाता है, COO, ये इसका फॉर्मूला है, COO। मयूरी नीला कांच भी बोलते हैं ना, मयूरी नीला कांच बनाने के लिए याद रखेंगे, आता है, है ना, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, है ना, कि बताइए नीला रंग, कांच को नीला रंग देने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे कोबाल्ट ऑक्साइड। उसी प्रकार से, है ना, क्रोमिक या क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना, क्रोमियम, या तो हम लें क्यूप्रिक, कापर का क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना, दोनों में से कोई होगा, क्रोमियम का ऑक्साइड होगा या तो कापर का, ठीक है। इसके ऑक्साइड से हरा रंग मिलता है, मतलब इसको मिलाने से कौन सा रंग मिलता है, हरा रंग मिलता है, कांच का हरा रंग आता है, ठीक, ठीक है। उसी प्रकार क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड, या क्यूप्रस ऑक्साइड के अलावा सेलेनियम के ऑक्साइड,
सेलेनियम, इनके ऑक्साइड, इनको मिलाने से है ना लाल रंग आता है। कौन सा रंग आता है? लाल रंग आता है। ठीक, उसी प्रकार से आपका मैग्नीज है ना, मैग्नीज या तो निकिल, मैग्नीज या तो निकिल के ऑक्साइड, इनको मिलाने से बैंगनी रंग आता है। ठीक है, तो इनको मिलाकर हम इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, रंग दे सकते हैं। ठीक, इसके कारण है ना, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड नीला रंग, आपका क्रोमियम, क्रोमियम क्यूप्रिक ऑक्साइड हरा रंग, क्यूप्रस या सेलेनियम के ऑक्साइड मिलाने से लाल रंग आता है, मैग्नीज या निकिल के ऑक्साइड मिलाने से कौन सा रंग आता है, बैंगनी रंग आता है। और ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा भी जाता है, तो याद रखिए इसको। ठीक, समझ आ गया ये, है ना। और कांच के उपयोग से तो आप भली भांति परिचित भी हो, है ना, कांच का क्या क्या उपयोग होता है, तो उसको बताने की जरूरत तो नहीं है भाई। ठीक, समझ आ गया। तो ये हो गया आपका कांच का औद्योगिक निर्माण की विधि। हमने कांच के औद्योगिक निर्माण की विधि में क्या क्या देखा, पहले कांच का क्या किया, संगलन किया, है ना, गलाया उसको, है ना, गलाकर बैज बनाया, बैज बनाकर जो आवश्यक कच्चे पदार्थ थे उसको गलाकर बैज बनाया, है ना, मिक्स करके पीस करके क्या बनाया, बैज बनाया, बैज को गलाया, गलाकर क्या बनाया, कांच बनाया, कांच बनाकर फिर क्या किया, उसका तापन, सॉरी वस्तुएं बनाए, विभिन्न वस्तुएं बनाए, विभिन्न वस्तुएं बनाने के बाद उसका तापन उषितन किया, क्या किया, तापन उषितन, जिसमें क्या धीरे धीरे क्या करना, ठंडा करना। फिर हमने क्या किया, उसको विशिष्ट रंग देने के लिए आवश्यक जो जो पदार्थ लगते हैं उसको मिलाया, जैसे हरा रंग बनाने के लिए है ना क्रोमियम या क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला दिए। समझ में आ रहा बात? ठीक, तो इस प्रकार से कांच का औद्योगिक निर्माण ये पूरा हो जाता है। ठीक, इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ें, एक और महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है विरंजक चूर्ण, है ना, विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, इसके बारे में पढ़ते हैं हम, है ना। विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखे करके आता है ना। ठीक, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है ना, रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखें, रासायनिक सूत्र इसका होता है CaOCl2, है ना, CaOCl2 इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। समझ में आई बात, है ना। इसके बाद आइए, इसको बनाते कैसे हैं, इसका उत्पादन कैसे करते हैं। ठीक, इसका उत्पादन कैसे करते हैं, तो एक संयंत्र है, उस संयंत्र के माध्यम से इसका उत्पादन होता है। उस संयंत्र का क्या नाम है, आसेन क्लेवर संयंत्र। ठीक, आसेन क्लेवर, आसेन क्लेवर संयंत्र। इस संयंत्र में क्या होता है ना, एक क्षैतिज में सिलेंडर बने होते हैं, है ना, बनाइए चित्र। इस प्रकार से
इस प्रकार से क्षैतिज में क्या बने होते हैं, सिलेंडर बने होते हैं, और इसमें है ना, इस सिलेंडर के अंदर है ना सेप्ट में घूर्णी घूर्णी सेप्ट लगे होते हैं, है ना, क्या लगे होते हैं, घूर्णी सेप्ट लगे होते हैं, ब्लेड जैसा, है ना, इस प्रकार से घूर्णी सेप्ट लगे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका लगा होगा। ठीक, ऊपर को मिटा दीजिए। इसमें ऊपर में हापर लगा होता है, इस प्रकार से हापर। ठीक, इसमें हम बुझा हुआ चूना, बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं यहां से। ठीक है, हाँ, एक चीज और, ये सिलेंडर जो है आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। यहां से साइड में है ना, इसके साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने के लिए मार्ग होता है, जैसे ये क्लोरीन गैस प्रवाहित करने के लिए मार्ग होता है। ठीक है, और अच्छे से बना सकते हैं, है ना। विरंजक चूर्ण निर्माण की हासन क्लेवर संयंत्र, है ना, विरंजक चूर्ण निर्माण की हासन क्लेवर संयंत्र। इसमें होता क्या है, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, है ना, दोनों आपस में यहां पर क्या होता है, अभिक्रिया होता है और विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, CaOCl2+, है ना, क्या, पानी। ठीक, तो देखिए इस प्रकार की क्या होती है, एक इस प्रकार की एक विधि होती है हासन क्लेवर संयंत्र। इसमें क्या होते हैं, क्षैतिज सिलेंडर होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना, और इस सिलेंडर में है ना क्या, ब्लेड लगे होते हैं, घूर्णी सेप्ट जो घूमते जाते हैं, क्या करते हैं, घूमते जाते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर से बुझा चूना डालते हैं, चूना डालने पर है ना ये घूमते रहता है, ठीक है, और नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, है ना। एक कई सिलेंडर होते हैं ना, मैंने तीन सिलेंडर का ही चित्र बनाया है, कई प्रकार के कई सिलेंडर लगे होते हैं एक दूसरे से। यहाँ नीचे से अपन क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो क्लोरीन गैस नीचे से जाता है और बुझा हुआ चूना ऊपर से आता है, तो दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, देखिए ये बुझा चूना CaOH2 और Cl2 दोनों मिलकर क्या बनाया, विरंजक चूर्ण, है ना, क्या बनाया, विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये ठीक, तो ये आपका क्या है, हासन क्लेवर संयंत्र विरंजक चूर्ण निर्माण की,
ठीक है जी, है ना। अब देखिए इसका गुण क्या है, तो यह पीत श्वेत चूर्ण है जो क्या क्लोरीन क्लोरीन की जो गैस होती है, क्लोरीन गैस जैसे तीक्ष्ण गंध आती है। कौन सी गंध आती है? तीक्ष्ण गंध आती है, ठीक है जी। यह क्या है? पीले रंग का श्वेत चूर्ण है, सफेद चूर्ण है, ठीक है, जिससे क्लोरीन जैसे क्या आती है, तीक्ष्ण गंध आती है, है ना। और विरंजक चूर्ण को हम खुला छोड़ दें, है ना, विरंजक चूर्ण को ऐसी खुला वायु में छोड़ दें, तो इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। तो इसका प्रमुख गुण है ये, है ना, इसमें क्लोरीन जैसी क्या होती है, गंध होती है। इस चीज को याद रखना, ठीक। इसका कलर कैसा होता है? हल्का पीला सफेद, ठीक। इसके बाद देखिए इसके उपयोग देख लीजिए, है ना, क्या क्या उपयोग है। उपयोग मेन है इसमें, उपयोग में है ना, विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है ना जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में अर्थात रोगाणु रहित जल प्राप्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। रोगाणु रहित जल प्राप्त करने के लिए, है ना, जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, ठीक। उसी प्रकार से वस्त्र उद्योग में किया जाता है, कपड़ा जो उद्योग होता है ना, उसमें कलर को डैमेज करने के लिए, है ना, कलर का विरंजन, है ना, विरंजन करने के लिए भी इसका उपयोग होता है, ठीक। उसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में, क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका उपयोग होता है? विरंजक चूर्ण का, ठीक। उसी प्रकार से कागज उद्योग में, है ना, कागज को साफ करने के लिए, है ना, उसमें जो कलर होता है उसको दूर हटाने के लिए, अर्थात कागज को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। समझ में आ गया, है ना, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। विरंजक चूर्ण के बारे में पूछा जाता है, खासकर इसका रासायनिक सूत्र और इसके उपयोग, है ना, ठीक। और बनाने की विधि में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस, इससे बनाया जाता है, ठीक। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, है ना, कांच के बारे में देखा, कांच का औद्योगिक निर्माण, कांच का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक, सॉरी सामान्य सूत्र और साधारण सूत्र ये क्या होते हैं, उसका औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है, कांच में जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, है ना, ये हमने देखा। और क्या देखा है, एक चीज और महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक में, ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।